मेरे बताए हुए इस तरीके से आज से ही नींबू का इस्तेमाल शुरू कर दें, आपके सर से लेकर पैरों तक की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नींबू हमारे शरीर के लिए वरदान है, नींबू में औषधीय गुण पाए जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नींबू का सही इस्तेमाल किस किस बीमारी में आप कर सकते हैं और कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। नींबू में बहुत सारे ऐसे विभिन्न तरह के तत्व और मात्राएं होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप घर पर एक इफेक्टिव मंजन बनाना चाहते हैं जिससे आपके जो पीले दांत हैं, आपके मुंह की जो गंदी दुर्गंध आती है वो दूर हो जाए, आपके दांत में जो कीड़ा लगा है या ठंडा गर्म लगता है वो बंद हो जाए, तो जानिए कि नींबू का इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके छिलके होते हैं ना, उनको फेंके नहीं बल्कि धूप में सुखा लें। जब वो बिल्कुल धूप में सूख कर कड़क हो जाए तो उसके बाद मिक्सी में उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लें। उसमें हल्का सा सेंधा नमक ऐड करके इससे रोज अपने दांत साफ करें, दिन में एक बार। इससे आप नोटिस करेंगे कि आपके पीले दांत बिल्कुल साफ हो गए हैं, आपके सांसों में से जो मुंह में से अजीब सी गंदी दुर्गंध आती थी वो बंद हो गई है और जो आपको दांतों में ठंडा गर्म लगता था वो भी दूर हो जाएगा। टिप नंबर 2, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे हैं, बहुत लोगों के चेहरे पर पिंपल्स प्रॉब्लम रहती है, इसका इलाज भी नींबू है। इसके लिए 1.5 चम्मच मलाई में 1/4 नींबू निचोड़ कर रोज अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से मालिश करें और 10 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें। ऐसा करने से लगातार 1 हफ्ते तक अगर आप करेंगे तो आपके चेहरे के मुहासे जड़ से खत्म हो जाएंगे और ना ही उनके दाग रहेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है तो उसके लिए भी है इलाज नींबू। सुबह उठकर खाली पेट 2 गिलास पानी में 1 नींबू और थोड़ा सा नमक डालकर पिए, पुराने से पुरानी कब्ज भी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा नमक, अजवाइन, जीरा व चीनी बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीस लें और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर गर्म पानी के साथ खाने से आपका पुराने से पुराना पेट दर्द या कितना भी तेज पेट में दर्द हो रहा हो वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आपको जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सूजन रहती है, तो आप जहाँ भी आपके नसों में दर्द है वहाँ पे नींबू के रस की मालिश करें। इससे आपके दर्द में आराम मिलेगा और पानी में नींबू मिलाकर पिए तो इससे भी आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपको मोटापा बहुत ज्यादा है तो रोजाना खाली पेट, बासी मुंह, हल्के गर्म पानी में नींबू का रस मिलाएं और साथ में थोड़ा सा हनी मिलाकर मिक्स करके उसको पी लें। ऐसा लगातार 1 महीने तक करने से आपका पुराना जमा फैट शरीर में वो भी खत्म हो जाएगा, शरीर में बड़ा कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो जाएगा, आपकी नसें भी ठीक से काम करेंगी, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका डाइजेशन भी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपका गंजापन है या बाल बाके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो उसके लिए भी नींबू बहुत ही बढ़िया तरीका है। पके हुए केले के गूदे में नींबू का रस मिलाकर आप अपने सर पर यानी अपने स्कैल्प पर बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करें और आधे घंटे बाद अपना सर धो लें। ऐसा करने से आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल पहले से कम झड़ेंगे और साथ में आपके बाल पहले से मोटे हो जाएंगे, आपके नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो आंवले के चूर्ण में नींबू का रस मिलाकर भी अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे, डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाएगी और जुएं भी मर जाएंगी। अगर आपको बुखार बहुत ज्यादा रहता है, हमेशा आपको सर्दी जुकाम रहता है, तो आप गर्म पानी में नींबू का रस मिला के पिए, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आपको नींबू का सेवन करना चाहिए, इससे आपकी आंतों में जो चिपके हुए कीड़े हैं ना वो भी बाहर आ जाते हैं। तो ये थे नींबू से जुड़े कुछ अद्भुत फायदे जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस तरीके से और अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।